फ्रेंड्स, मैं नाम अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग में मैं आपको आज बायोकेमिकल पाथवे के कुछ नॉर्मल और कैंसर सेल के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। नॉर्मल सेल्स विल डिवाइडेड इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल सिग्नल्स सच एज ग्रोथ फैक्टर जिसे हम सॉफ्ट जीएफ बोलेंगे, अदर मॉलिक्यूल सिग्नल्स फ्रॉम विद इन सेल्स। इन हेल्दी टिश्यूज डैमेज सेल्स आर एलिमिनेटेड बाय प्रोग्राम सेल डेथ। अगर कुछ सेल्स खराब होती हैं तो हम सेल डेथ के थ्रू से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं या उन्हें किल कर देते हैं और उनकी जगह पर रिप्लेस करके एक नई सेल उसी समय बन जाती है जो कि उसकी नेबरिंग सेल्स बनाते हैं। तो एपोप्टोसिस इन द प्रोसेस ऑफ सेल डेथ, दिस इज अ वेरी वेरी नेचुरल प्रोसेस एंड यूजफुल फॉर अवर बॉडी। व्हेन मान के चलिए कि कभी कभार हमारे बॉडी में कुछ यूवी रेज के कारण कुछ सेल्स कैंसरस हो जाती हैं या फिर कुछ सेल्स हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनमें कुछ कमियाँ आ जाती हैं, तो ऐसी सेल्स को हम कैंसर सेल के नाम से भी जान सकते हैं जो कि यूवी रेडिएशन से हो रही है। तो इसमें इस कहते ये डायग्राम में ये कहता है कि आप किसी एक चीज़ को पिक करना है, कोई एक सेल को, और उस सेल के फंक्शन के बारे में और उसकी साइकिल के पाथवे के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो सेल लेते हैं वो लेते हैं नॉर्मल सेल। तो देखते हैं कि नॉर्मल सेल का फंक्शन क्या होता है। नॉर्मल सेल की फंक्शन की बात करूं तो सबसे पहले आपके सामने एक फैक्टर दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं IGF-1। IGF-1 ग्रोथ फैक्टर इज अ प्रोटीन दैट स्टिमुलेट सेल्स टू अंडरगो माइटोसिस, ठीक है, जो कि माइटोसिस डिवीजन तक ले जाती है और ये सूचना देती है कि सेल का अब डिवीजन होना है। व्हेन सेल्स आर लॉस्ट थ्रू डैमेज और एपोप्टोसिस, द रिमेनिंग सेल एक्सक्रीट ग्रोथ फैक्टर टू इनकरेज एंड नेबरिंग टू डिवाइड। और एपोप्टोटिक के समय पे ये कभी कभार आते हैं, कभी कभार ये रिसेप्टर्स फंक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये IGF-1 रिसेप्टर आकर के द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर कैन कॉज अ सेल टू एंटर द सेल साइकिल एंड अंडरगो माइटोसिस। व्हेन IGF-1 अटैच टू सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर इट एक्टिवेट अ मॉलिक्यूलर चेन रिएक्शन। फर्स्ट एन एंजाइम ऑफ इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड टायरोसिन काइनेज। हियर इज अ टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज इज एन एंजाइम that catalyze the transfer of phosphate and ATP to messenger proteins. तो जैसे ही आपका IGF-1 आकर के अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है, IGF-1 that's a ligand, जैसे ही आकर के वो IGF-1 रिसेप्टर पे बाइंड करता है, टायरोसिन एक्टिवेट हो जाते हैं, टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हो जाते हैं, उनका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। काइनेज एक्टिविटी के थ्रू इज फॉस्फोराइलेटेड बाय ATP। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से ये एक्टिवेट हो जाते हैं। PI3 kinase is phosphorylated. After all that, हमारे पास PI3 kinase जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर से, वो एक्टिवेट हो जाता है। PI3 kinase क्या होता है? Kinase is molecules that activate or suppress another proteins. और कहने का ये मतलब है कि अब PI3 kinase जो होता है ये भी एक अनदर proteins को एक्टिवेट करता है ताकि ये साइकिल स्टिमुलेट हो सके माइटोसिस डिवीजन के लिए। म्यूटेटेड PI3 काइनेज आर नोन एज ऑन्कोप्रोटीन्स। अगर इसमें किसी तरह का म्यूटेशन होता है तो ये एक ऑन्कोजेनिक इन नेचर शो करने लगते हैं जो कि एक कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल फंक्शन करता है तो ये एक्टिवेट होते हैं और इनके एक्टिवेट होने के बाद ये जाकर के बाइंड कर जाएंगे हमारे रास प्रोटीन के साथ। रास बाइंड टू PI3 काइनेज, रास आती है और PI3 काइनेज के साथ बाइंड कर जाती है। PI3 kinase के साथ बाइंड करने पे वो एक्टिवेट्स हो जाते हैं और आगे जाकर के एक्टिवेट करते हैं ATP kinase जिसे हम कहते हैं प्रोटीन काइनेज भी। तरह से PI3 kinase कॉम्प्लेक्स इनेबल्स द नेक्स्ट पाथवे मॉलिक्यूल्स ATP kinase टू बिकम फॉस्फोराइलेटेड। देन फॉस्फोराइलेटेड जो प्रोटीन काइनेज भी है ATP kinase कॉजेज अ मैसेज टू सेंड टू न्यूक्लियस। और इसके बाद ATP kinase सेल को ये मैसेज करता है कि हाँ, सारे पाथवे आपके क्लियर हैं, सारे चेक पॉइंट्स क्लियर हैं, आप सेल साइकिल को एक्टिवेट कर सकते हैं। और सेल साइकिल न्यूक्लियस में जा कर के प्रोटीन्स बनाती है और ये मैसेज पहुंचाती है कि वो एक्टिवेट हो सकते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं द सेल अंडरगो समटाइम्स इवन IGF इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट ऑफ सेल न्यू। एक दूसरे पाथवे में देखते हैं जिसमें हमारा IGF-1 प्रेजेंट तो होता है लेकिन सेल को अब डिवाइड करने के लिए कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक बिल्कुल डिफरेंट सा एक कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग कहते हैं P10। P10 इज अ फॉस्फेटेज एंड एंजाइम दैट डीफॉस्फोराइलेट अनदर प्रोटीन। तो P10 का काम होता है कि वो किसी भी प्रोटीन्स को डीएक्टिवेट कर सकता है, सप्रेस सेल ग्रोथ और सेल ग्रोथ को स्टॉपेज कर सकता है। अब म्यूटेशन इन P10 कैन रिजल्ट इन रनवे PI3 काइनेज लीड टू कैंसर। अगर P10 फंक्शन नहीं करेगा तो PI3 काइनेज एक्टिवेट्स हो जाएंगे
और उनके एक्टिवेट्स रहने से सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड तरीके से मतलब लगातार होगा, जो कि कैंसर को दावत दे सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेनी डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स वर्क सिम्यूटेशनली विद इन सेल्स एंड इन्फ्लुएंस वेदर और नॉट इन सेल डिवीजन। वॉच आफ्टर IGF बाइंड टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। IGF आएंगे, मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गए हैं और इसके बाद PI3 काइनेज भी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। इसके एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे मौजूद P10 तुरंत PI3 काइनेज पे जाकर के बाइंड हो जाएगा। PI3 अप्रोचेस द PI3 काइनेज ऑफ P10 बाइंड टू फॉस्फेट एंड मूव्स अवे विद इट। वो जाकर के फॉस्फेट से बाइंड करेगा और PI3 काइनेज के साथ जाकर के बाइंड कर जाएगा। विदाउट इट फॉस्फेट PI3 काइनेज नॉट इन करेक्ट कॉन्फिगरेशन रिसीव इट फॉस्फेट रास डज नॉट बाइंड। और जब ये इसका जब ये PI3 काइनेज को डीएक्टिवेट कर देगा तो रास 14 एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, जिसके थ्रू कंडीशंस ये बनेंगे कि ये एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे और सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमारा एक नॉर्मल पाथवे था। नेक्स्ट अब कहते हैं कि किस तरीके से हम एक दूसरा सेल चुनें और उनके लाइफ साइकिल्स के बारे में देखें। तो दूसरी सेल्स को हम चुनते हैं कैंसर सेल के बारे में। आइए जानते हैं कैंसर सेल में से कैसे फंक्शन हो सकते हैं जिसके कारण सेल अपने फंक्शन को खो सकता है। IGF-1 है आपका, अगर IGF-1 मतलब ग्रोथ फैक्टर मौजूद नहीं है रिक्वायर्स रिस्टोर। नॉर्मली हम अगर बात करें तो आप किसी भी सेल साइकिल को चलने के लिए वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर मौजूद होना चाहिए। अगर यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर मौजूद नहीं है तो क्या होता है कि PI3 काइनेज में म्यूटेशन हो जाता है, मतलब वो अपने आप से एक्टिवेट हो जाते हैं, उनका फॉस्फोराइलेशन हो जाते हैं। उनके फॉस्फोराइलेशन होने के बाद उस पर बड़े आसानी के साथ हमारा रस जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो आकर के बाइंड कर जाता है, P10 बाइंड कर जाता है PI3 काइनेज पे। PI3 काइनेज पे बाइंड करने के बाद दस ग्रोथ प्रोटीन सप्रेस P10 कंट्रोल द म्यूटेशंस। PI3 काइनेज बाय डीफॉस्फोराइलेटिंग रनवे माइटोसिस एंड कैंसर आर अवर्टेड। अगर सेल की डिवीजन की हमें ज़रूरत है लेकिन P10 होने के कारण वहाँ पे PI3 काइनेज रास्पुटिन से बाइंड नहीं करता तो सेल डिवीजन नहीं हो पाता। व्हेन बोथ PI3 काइनेज P10, और अगर कहते हैं कि अगर P10 और PI3 दोनों में हमारे म्यूटेशन हो जाता है तो साइकिल रन कर जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे P10 हमारा मौजूद नहीं होता जो कि PI3 काइनेज को डीएक्टिवेट कर सके। और अगर PI3 काइनेज डीएक्टिवेट नहीं होगा तो वो कंटिन्यूअसली सेल साइकिल को रन कराने की दावत दे देगा और जिसके कारण प्रोटीन काइनेज भी न्यूक्लियस को सूचना देते जाएंगे और नई नई सेल्स बनती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से म्यूटेशन होने पर कैंसर कॉज हो रहा है, कैंसर सेल्स हमारी लगातार बन रही हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप PI3 काइनेज एक्टिवेट हो रहा है और लगातार किस तरीके से ये सेल साइकिल हमारी रन कर रही हैं। यहाँ पे देखिए किटी ने फिर से रिचार्ज किया और फिर से वो चीज़ें हमारी कैंसर सेल डिवीजन प्रोड्यूसिंग मेनी सेल्स, और इस तरीके से वो मेनी सेल्स अब नॉर्मल सेल ग्रोथ होती चली जा रही है। नेक्स्ट मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ एपोप्टोसिस पाथवे के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो एपोप्टोसिस पाथवे पे आने वाला है।